सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड इट इज़ माय ईमेल आईडी। ओके, इसके पहले भी हम लोग मेंटल हेल्थ पर बात कर चुके हैं। मेंटल हेल्थ पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, पर वो कई मायनों में मुझे इनकम्प्लीट साउंड कर रहा था, क्योंकि उसमें मैंने स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव को नहीं लिया था, सिर्फ इन जनरल मेंटल हेल्थ बताया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको मैं थोड़ा सा वाइडन कर लूँ, थोड़ा उसको और कॉम्प्रिहेंसिव बना लूँ, तो ये और फ्रूटफुल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, तो अब मैंने इसको मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स करके बना दिया है, तो आप इसे सुनिए और निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद होगा ये। तो हम बात करने जा रहे हैं कि मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि बच्चों यानी विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, क्यों ये एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, इस पर हमारी बातचीत केंद्रित रहेगी। सबसे पहले, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हेल्थ क्या है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, एंड दिस डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाई WHO इन 1948, है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 ईस्वी में ये डेफिनेशन दी है, ये परिभाषा दिया है। स्वास्थ्य को इस प्रकार से परिभाषित किया है, क्या कि स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वेलबींग या खैरियत या आपके कल्याण की वो दशा है, एक दशा है, और केवल ये किसी प्रकार की बीमारी या किसी प्रकार की रुग्णता या किसी प्रकार की दुर्बलता का अभाव नहीं है, है ना। तो ये अगर हम समझना चाहें तो ये एक बड़ा कंसेप्ट है, ब्रॉडन कंसेप्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव बात की जा रही है कि हम में से बहुत से लोग इन जनरल ये समझते हैं कि अगर हम बीमार नहीं हैं, हमारा टेम्परेचर नॉर्मल है, हमको फीवर नहीं है, तो हम हेल्दी हैं। बट ऐसा नहीं है, हमारे पास कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए हेल्दी होने के लिए। और एक बात और डेफिनेशन में ध्यान देने योग्य है कि यहाँ हेल्थ में फिजिकल, मेंटल और सोशल को कॉम्पोनेंट उसका बनाया गया, उसका घटक बनाया गया, यानी कि हेल्थ में इट्सेल्फ मेंटल हेल्थ आती है। ठीक है, अब इमरजेंस कि क्या हम हमेशा से मेंटल हेल्थ को लेकर इतने ही फ्लेक्सिबल रहे हैं, क्या हमेशा से मेंटल हेल्थ के लिए ऐसी ही बातें की जाती रही हैं? तो इसका आंसर है नो। हमेशा से मेंटल हेल्थ को बहुत स्टिग्मा के रूप में, टैबू टॉपिक की तरह से या डिस्क्रिमिनेट किया जाता रहा उन लोगों को जिनको कोई प्रकार की मेडिकल एडवाइस सीक करनी होती थी फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स, है ना। तो मेंटल हेल्थ हैज़ बीन हिडन अ कर्टन ऑफ स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन फॉर टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक ये विभेद किया जाता रहा। बट इट इज अ टाइम टू ब्रिंग इट आउट इन टू ओपन, लेकिन अब वो समय आ गया है जिसमें हम इस पर खुलकर बात कर सकते हैं या हमको खुलकर बात करनी चाहिए। एंड मेंटल हेल्थ इज अबाउट वेलनेस रादर देन इलनेस, है ना। यानी कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बेकार चीज की बात नहीं कर रहे, बल्कि हमें किसी कल्याण की बात कर रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य कल्याण का विषय क्षेत्र है, अच्छी बात है अगर हम अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो। और इट इज ए पॉजिटिव कंसेप्ट, यानी कि इसको हमको गलत अर्थों में नहीं लेना है, नेगेटिव कोनोटेशन के रूप में इसको नहीं देखना है, बल्कि एक पॉजिटिव कंसेप्शन की तरह से मेंटल हेल्थ पर बात करनी है। देन मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन कि मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार से परिभाषित करें, तो जैसे WHO ने हेल्थ को परिभाषित किया है, स्वास्थ्य को किया है, उसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को भी किया है। और ये डेफिनेशन आई है 2004 में, ये क्या कहती है कि मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग, ये वो स्टेट है हमारी आपकी वेलबींग की जिसमें कि क्या होना चाहिए, इन विच एन इंडिविजुअल, जिसमें कि एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को, एक मनुष्य को ये रियलाइज हो जाए, मतलब उसके पास वो एबिलिटी, कैपेबिलिटी हो कि वो रियलाइज कर सके, क्या चीज़, हिज और हर ओन एबिलिटीज, अपनी योग्यताओं के बारे में उसको रियलाइजेशन हो। कई बार ऐसा होता है या मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हमारे आप में बहुत एबिलिटीज़ तो होती हैं, लेकिन हमारे अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं होती है, हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि हम में वो है, हम में वो गुण है। और क्या होना चाहिए, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। देखिए, जिंदगी जब तक जीवन है तब तक स्ट्रेस है, स्ट्रेस फ्री लाइफ किसी की नहीं है, हम में से किसी की भी नहीं है, तो नॉर्मल स्ट्रेसेस हमको मिलते हैं लाइफ में। तो क्या होना चाहिए मेंटल हेल्थ का कंडीशन, मेंटल हेल्थ का स्टेट, मेंटल हेल्थ का रोल, कि हम कोप अप कर सकें, सामना कर सकें उन नॉर्मल स्ट्रेसेस का, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जो थोड़े बहुत हमको स्ट्रेस मिल रहे हैं, बड़े स्ट्रेसेस की बात नहीं की जा रही है। एंड कैन वर्क प्रोडक्टिवली, हम कुछ प्रोडक्टिवली
वर्क कर सकें, कुछ हम उत्पादित कर सकें, कुछ हम कंस्ट्रक्शन कर सकें, एंड इज एबल टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी, और अपना जो भी समुदाय के हम सदस्य हैं, जिस समुदाय का हिस्सा है, उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें, यानी कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप सोसाइटी के संग, कम्युनिटी के संग चलना चाहिए। अगर हम उससे कुछ लेते हैं तो हमें उसे कुछ देना भी चाहिए। तो अगर हम इतने क्राइटेरिया पे फुलफिल होते हैं, सही उतरते हैं पैमाने पर, तो हम मेंटली हेल्दी हैं। ये हम खुद भी अपने आप को जज कर सकते हैं इस तरीके की, क्या हम अपनी एबिलिटीज़ को रियलाइज कर पाते हैं, क्या रोज़मर्रा के नॉर्मल स्ट्रेसेस से हम कोप अप कर पाते हैं, क्या हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी तरीके का, आइडियाज़ का, मटेरियल का, नॉलेज का, एनीथिंग, एंड इज एबल टू, हम चूंकि शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वरना प्रोडक्शन तो बहुत तरीके का है, एंड इज एबल टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन, और क्या हम कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम इनमें से सब कुछ कर पा रहे हैं देन वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, और आप और जो भी ये सब कर पा रहा है वो मेंटली हेल्दी है। फिर और क्या बातें मेंटल हेल्थ के लिए है कि इट इंक्लूड्स इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि हेल्थ में क्या था, फिजिकल, मेंटल और सोशल था, उसी तरह से मेंटल में इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल है, यानी कि सांवेगिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, तीनों प्रकार से अगर हमको स्वस्थ होना होगा मानसिक स्वास्थ्य हासिल करने के लिए। फिर मेंटल हेल्थ इज ए स्पेक्ट्रम, नॉट अ बाइनरी, मतलब कि ये एक फैलाव है, ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है, एक प्रकीर्णन है, जबकि बाइनरी नहीं, बाइनरी का मतलब सिर्फ यस और नो नहीं है, जीरो या वन नहीं है, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि या तो हम मेंटली हेल्दी हैं या हम मेंटली हेल्दी नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक दशा है जो कि सतत परिवर्तनशील है। और यही आगे बताया गया है क्या कि मेंटल हेल्थ इज ए फ्लूइड, फ्लूइड का क्या मतलब कि तरल है, बह रहा है, किसी भी दिशा में बह सकता है, स्थिर नहीं रहेगा, विच मीन्स दैट इट चेंजेस थ्रू आउट अवर लाइफ, यानी कि सतत जीवन में, पूरे जीवन काल में ये बदलता रहता है। कैसे, मान लीजिए कि आप खुदा ना खास्ता कोई हमारे संग कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंस हो जाएगा तो हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगी, हम किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं, और कुछ बहुत एकदम बढ़िया 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 हमारी लाइफ में सब कुछ चल रहा है, हमारा कम्युनिटी, हमारा हेल्थ, हमारी अचीवमेंट, हमारा सब कुछ बढ़िया है, तो हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, है ना। तो चीज़ें बदलती रहती हैं, ये स्टैटिक नहीं है, कहने का मतलब ये है। फिर ऑल मेंटल इलनेसेस कैन बी ट्रीटेड, ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, एज अ गार्जियन, कि कोई अगर मेंटल इलनेस का शिकार हो भी गया है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल होगा तो हम बातचीत के लेवल पे, सीवियर होगा तो थेरेपी के माध्यम से, बट इट कैन बी ट्रीटेड। एंड WHO इन 2014 हैड स्टेटेड दैट व्हाट, दैट देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, सॉरी। तो WHO ने देखिए, WHO 1948 में डिफाइन कर रहे हैं, वो 2004 में डिफाइन कर रहे हैं, फिर वो 2014 में एकदम आके उन्होंने कह दिया कि कोई भी स्वास्थ्य हमारे पास नहीं है अगर उस दशा में यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मेंटल हेल्थ इज हाउ मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, एंड इट इज मोर देन जस्ट द एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स और डिसेबिलिटीज, जैसा कि हेल्थ की डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि अगर हम बीमार नहीं हैं इसलिए हम स्वस्थ नहीं हैं, उसी प्रकार से अगर हमको कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, यानी कि चार पैमाने हैं ना, उन सब पे हमको खरा उतरना है। ओके, देन साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ, अगर हम साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ की बात करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ में क्या बताया कि इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, तीन प्रकार की वेलबींग आनी चाहिए, तो जिसमें से साइकोलॉजिकल है वो बहुत जानने योग्य है, हमको आपको जानना चाहिए, अगर हम जानेंगे तभी इसके बारे में बातचीत कर पाएंगे, बता पाएंगे, समझा पाएंगे। क्या कि सब्जेक्टिव वेलबींग, अगर हमारे पास सब्जेक्टिव वेलबींग की कैपेसिटी है, इसका मतलब हम मेंटली हेल्दी हैं। अब सब्जेक्टिव वेलबींग क्या है, वेलबींग का मतलब कि कल्याण है, खैरियत है, सब ठीक ठाक दशा है। सब्जेक्टिव वेलबींग का मतलब कि हमारा सब्जेक्ट, हम एज अ सब्जेक्ट अपनी कंडीशन को क्या नाम देते हैं, जैसे कि लोग महलों में रह के भी दुखी रहते हैं और गरीब अपनी छोटी सी झोपड़ी में भी खुश रह सकता है, है ना। अगर हम इसको ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करें तो क्या होना चाहिए था, जिसके पास ज़्यादा ऐशो आराम, सुख सुविधा, सहूलियत है, वो ज़्यादा खुश होना चाहिए, और जिसके पास कम है वो कम खुश होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, यहाँ सब्जेक्टिविटी है कि एज अ सब्जेक्ट आप अपनी जो दशा है उसको क्या नाम देते हैं, क्या उसको बोलते हैं कि हम अच्छी तरीके से हैं या हम अच्छी तरीके से नहीं हैं।
तो अगर हम अपनी कंडीशन को अच्छा बताते हैं, इसका मतलब हम सब्जेक्टिव वेलबींग है हमारे पास. देन परसीव्ड सेल्फ इफिकेसी, हमारा परसेप्शन क्या है अपने आप को लेके, हम कितना अपने आप को सेल्फ इफिशियंट महसूस करते हैं. फिर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मीन्स कि क्या हम स्वायत्त रूप से कुछ काम करते हैं, क्या 24 घंटे में हमारे पास कोई ऐसा समय है जिसमें हमको दूसरे की थोपी हुई इच्छा से हम काम नहीं करते हैं? कोई ऐसा टाइम जो हमारा मी टाइम हो, जो हमारा फ्री टाइम हो, जो अपना स्पेस हो, वो अगर आपके पास नहीं है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो आपकी मेंटल हेल्थ को हैम्पर कर रहा है. और अगर है देन वेल एंड गुड. देन कॉम्पिटेंस, यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट इनफ टू डील विद दिस सुपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. देन इंटर जनरेशनल डिपेंडेंस, देखिए एज अ टीचर एजुकेटर हम लोग को ये बात समझनी चाहिए कि ये जो मानसिक विसंगति की दशा होती है वो जेनेटिक होती है थोड़ा सा. अगर माता पिता में या फैमिली में ये कोई कहीं आ रहा है ये, तो ये हो सकता है कि ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए अगली जनरेशन को. तो ये इस तरीके का अगर फैमिली रिकॉर्ड है, फैमिली हिस्ट्री है, तो हमें उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. देन एबिलिटी टू रिकोगनाइज वंस इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल पोटेंशियल, मीन्स ये बात पहले भी की जा चुकी है कि हमारे अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि हम अपने आप को पहचान सकें कि हम कितने बौद्धिक हैं, कितना हमारे पास सांवेगिक विभव है. अगर हम इसको पहचान पाते हैं, ये एबिलिटी हम रखते हैं, इसका मतलब कि वी आर साइकोलॉजिकली मेंटली हेल्थी. ओके, देन कॉम्पोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ, इसको ये पिछले वीडियो में भी बात हुई थी, ये दो स्लाइड्स मैंने वहाँ से ली हैं क्योंकि ये खास बात थी, ये यहाँ भी बताना ज़रूरी था. कॉम्पोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ मीन्स पिलर्स ऑफ वेलनेस, वेलनेस यानी कि वो स्तंभ है जो हमारे कल्याण के स्तंभ हैं, वो ये स्तंभ बनाते हैं. मतलब इसमें से अगर कोई भी इधर उधर हुआ तो वो स्तंभ हमारा गिर जाएगा. क्या है पहली बात, इंटरपर्सनल थेरेपी. इंटरपर्सनल थेरेपी का मतलब है कि जो भी हमारे नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे हैं दिन भर में, दिनचर्या में, 24 घंटे में, रोजमर्रा की जिंदगी में, उसको हम खुद किस लेवल तक डील कर लेते हैं. देखिए हर प्रॉब्लम पे हम किसी के पास नहीं जाते अपनी प्रॉब्लम बताने, हर छोटी छोटी, और जाना भी नहीं चाहिए. हर छोटी प्रॉब्लम के लिए हम दवाई नहीं खाते हैं, हर छोटी प्रॉब्लम के लिए हमको कोई थेरेपी नहीं चाहिए, लेकिन हम खुद अपने आप को समझा लेते हैं ना कि आप सोचते हैं कि छोड़ो, ऐसा तो बहुत से लोगों के साथ होता है, या कोई बात नहीं, या थोड़ी देर में सिचुएशन ही बदल जाती है. तो हम कितना खुद को, अपने आप को समझा पाते हैं, ये इंटरपर्सनल थेरेपी है और ये हमको होनी चाहिए हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी. देन कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी ऐसी होनी चाहिए जो हमको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करे, सपोर्ट करे, कोलैबोरेशन जिसके साथ हो सके, जो हमको अनवांटेड ट्रॉमा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ना दे, तो हम बढ़िया रहेगा हमारा हिसाब किताब. देन फिजिकल हेल्थ, हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क या स्वस्थ मन का निवास है. तो यदि हम स्वस्थ होंगे शारीरिक रूप से, तो निश्चित रूप से हमारे मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा. और ये बहुत मुश्किल है कि कोई बहुत रुग्ण, बीमार, दुर्बल व्यक्ति हो और वो मानसिक रूप से बहुत सशक्त हो, नहीं, है मुश्किल है. तो फिजिकल हेल्थ जरूरी है, इंटेलेक्चुअल हेल्थ भी जरूरी है, एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ भी जरूरी है. इन्वायरमेंटल हेल्थ का मतलब कि हम किस वातावरण से आते हैं, हमारा परिवेश क्या है, हम किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं. इवन इन्वायरमेंट बड़ा कंसेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो वो सब कुछ भी हेल्दी मिलना चाहिए, तो हम हेल्दी रहेंगे mentally. Then boundaries, boundaries का मतलब कि we have to set our boundary somewhere. Somewhere we have to delimit ourselves that we don't do anything else beyond this. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप काम के बोझ तले overburdened हो जाएंगे और आपकी मानसिक स्वास्थ्य की दशा बिगड़ जाएगी. इसके लिए हमको we have to से नो समवेयर, है ना, हमको कहीं नहीं कहना आना चाहिए कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं कर पाएंगे. अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप दिक्कत में आ जाते हैं. देन सेल्फ केयर, देखिए हमारे यहाँ जो सोशलाइजेशन की दशा है उसमें सेल्फ केयर का कंसेप्ट फीमेल्स के लिए तो है ही नहीं. क्या है कि आपको दूसरों को देकर करना है, दूसरों का हो जाए तब आप करेंगे, दूसरे खा लें तब आप खाएंगे, दूसरे सो जाएं तो आप सोएंगे, सबसे पहले उठेंगे, और इस तरीके का बड़ा सोशलाइजेशन में हमारे चला आ रहा है. लेकिन चीज़ें अब धीरे धीरे बदल रही हैं और अब हमें भी राइट मिल रहा है कि हम सेल्फ केयर कर सकें. खुद का ध्यान रखिए, जब खुद का ध्यान रखेंगे तभी आप दूसरे का ध्यान रख पाएंगे, जब आप खुद खुश होंगे तभी किसी दूसरे को खुश रख सकते हैं. मन से दुखी इंसान किसी आदमी को, किसी दूसरे इंसान को खुश नहीं रख सकता है. तो ये जो है वो पिलर्स ऑफ वेलनेस हैं,
देन अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए हमने अलग से ये वीडियो बनाने की कोशिश की, मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, कि क्यों हम मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर ही रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम किसी की भी बात कर सकते थे, टीचर्स का भी मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है, उसकी बात की जा सकती है, फीमेल्स की बात की जा सकती है, मेल्स की बात की जा सकती है, एंटरप्रेन्योर्स की बात की जा सकती है, पॉलिसी मेकर्स की, बहुत कोई भी कैटेगरी ले सकते हैं, पर स्टूडेंट्स ही क्यों लिया? बिकॉज प्रेजेंटली इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो हम जिस भारतवर्ष में निवास करते हैं, जो ये दशा चल रही है इस वक्त पॉपुलेशन की, उसमें जो सबसे ज्यादा प्रपोर्शन है वो युवाओं का है ना, ये बात आप सभी जरूर जानते होंगे। और क्या है, यूथ इज अ ह्यूज रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी, है ना, यानी कि जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, उसके पास ऊर्जा का अनंत स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है, विच नीड टू बी टैप्ड एंड हार्नेस्ड इंटेलिजेंटली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जिसको कि समाज के विकास के लिए हमको इंटेलिजेंटली टैप करना चाहिए। Then here comes the role of educators, teachers, policy makers and guardians to turn this population into productive member of society. वहाँ पे यहाँ पे हमारा आपका रोल आ जाता है कि किस तरह से हम अपना ये जो इतना बड़ा हमको रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी मिला है उसको कैसे प्रोडक्टिव मेंबर बना सकें सोसाइटी का। देन बट देयर इज एन ऑब्स्टिकल इन दिस वे, पर इसमें एक रुकावट है। क्या रुकावट है? दे आर नॉट एज मेंटली हेल्दी एज दे हैव टू बी। जिस प्रकार से उनको मानसिक, जिस तरीके का उनको मानसिक स्वास्थ्य हो वो हासिल कर लेना चाहिए था, वो नहीं रखते हैं। तो कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस उनको मिलते हैं मेंटल हेल्थ के रास्ते में। क्या? डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर। देखिए हमारे स्टूडेंट्स, हमारा जो युवा वर्ग है, वो बहुत, आप देखेंगे, इन जनरल डिप्रेस्ड रहता है, या उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब होता है मूड स्विंग का मतलब है कि कभी तो वो बहुत खुश है और अगले क्षण बहुत दुखी है, तो ये आप समझ नहीं पाते हैं कि दशा चल क्या रही है। तो डिप्रेशन क्यों है? डिप्रेशन बहुत सारी चीज़ों से होता है, कि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या हम रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या ब्रेकअप्स हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं। देन एनजाइटी डिसऑर्डर, चिंता है। देखिए एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि मिनिमल लेवल या नॉर्मल लेवल का एनजाइटी बुरा नहीं होता है। हमको चिंता होनी चाहिए, कल हमारा एग्जाम है तो हमको थोड़ी चिंता होगी, तभी हम पढ़ेंगे और तब एग्जाम है। ये नहीं कि कल चिंता और हम एकदम फ्री होकर घूम रहे हैं कि हमको एनेक्शियस नहीं होना है, नहीं, हमको एनजाइटी होनी चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ जब अपनी लिमिट क्रॉस करती तब वो बुरी बन जाती है। तो एनजाइटी भी, अगर आप हर समय एनेक्शियस हैं, अगर हर समय आपको किसी अनजाने डर की चिंता सता रही है, तो ये डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। और एनजाइटी किस किस चीज़ के लिए हो सकती है? एग्जाम रिलेटेड हो सकती है, आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड हो सकती है, अचीवमेंट रिलेटेड हो सकती है, आपका अगर फीमेल कोई है तो उसको बॉडी शेमिंग की एनजाइटी हो सकती है, कि अगर वो फिट नहीं है, स्लिम नहीं है, है ना, इस तरीके की बातें हैं। तो बहुत तरीके का ये डिसऑर्डर युवाओं में पाया जाता है। देन सुसाइडल टेंडेंसी, आपको पता होगा कि 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में तीसरी सबसे बड़ी वजह है ये मृत्यु की, है ना, सुसाइड कर लेते हैं। कौन सी ऐसी दशा आ जाती है कि उनको सुसाइड करने की जरूरत पड़ जाती है? व्हाई दे आर बिकम सो डिप्रेस्ड, दे बिकम सो एनेक्शियस, कि उनको लगने लगता है कि कोई उनकी प्रॉब्लम का ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है, या उनको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए है। देन ईटिंग डिसऑर्डर्स में एनोरेक्सिया, बुलीमिया और ओवर ईटिंग तीनों आते हैं। एनोरेक्सिया का मतलब है कि हम बहुत कम खाते हैं, हम मतलब वो युवा जो ईटिंग डिसऑर्डर से प्रभावित हैं, बहुत कम खाते हैं, क्यों? उनको लगता है कि वो कुछ भी खाएंगे तो उनका वेट बढ़ जाएगा, फिर वो क्या मतलब बढ़िया नहीं लगेंगे, उनका फिजिकल अपीयरेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो जब आप कुछ नहीं खा रहे हैं, आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आपकी फिजिकल हेल्थ बिगड़ेगी, फिजिकल हेल्थ बिगड़ेगी तो आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़नी ही है ना। तो हमारे शरीर को ज़रूरी है जिन खाद्य पदार्थों की, वो हमारे शरीर के अंदर जाने चाहिए। और इसका उल्टा भी है, ओवर ईटिंग, दिन भर खा रहे हैं कुछ ना कुछ, खा रहे हैं जंक फूड, खा रहे हैं ऑब्सोलीट हो रहे हैं, है ना। फिर एडिक्शन, देखिए एडिक्शन एक बड़ा मेंटल हेल्थ चैलेंज है युवाओं के लिए। क्यों एडिक्शन? देखिए इंटरनेट यूजेज यूसेज का हो सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग का हो सकता है, गेमिंग का हो सकता है, ड्रग
या सब्सटेंस यूसेज का हो सकता है ना, बहुत तरीके के एडिक्शन हैं जो कि आजकल के युवाओं को हो गए हैं। तो ये भी एक बड़ा मेंटल डिसऑर्डर बन जाता है कि दिन रात आप उसी धुन में लगे हुए हैं ना, वही करना है, वही एक चीज़ है, वही सनक है। देन सोशल फोबिया, अक्सर देखिए युवाओं में और अक्सर फीमेल्स में ये सोशल फोबिया पाया जाता है कि वो किसी भी प्रकार के सोशल इंटरेक्शन से बचते हैं। उनको कहा जाएगा कि कोई आया है उनसे मिल लो, या किसी पार्टी में चलना है, या कोई गेट टुगेदर में अटेंड करना है, तो वो मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि कोई उनको टोक देगा, जैसे तुम बहुत मोटी हो गई हो, या तुम दुबली हो, या तुम्हारा रंग साफ नहीं है, या तुम जो भी है, कुछ इस तरीके की बातें लोगों को नहीं कहनी चाहिए और लोग कह देते हैं। तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर का कारण बनता है। देन शाइजोफ्रेनिया, ये देखिए एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर। शाइजोफ्रेनिया में क्या होता है, एक तरीके का कॉग्निटिव डिसफंक्शनिंग हो जाती है इसमें, कि हम वो सुनते हैं जो कहीं नहीं किसी ने बोला है, या हमको अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं, या कुछ अलग ही दुनिया में हम रहते हैं जो कि एक्चुअली नहीं एग्जिस्ट करती है। देन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये इसको OCD के नाम से बहुत पॉपुलर है, कि हमको एक कम ऑब्सेशन है कि ये काम है, ये काम है। कई बार हम वो काम कर चुके होते हैं फिर भी हमें लगता है कि हमने वो काम नहीं किया, तो इस तरीके का डिसऑर्डर ये दिक्कत क्रिएट करता है हमारी अच्छी मेंटल हेल्थ में। एंड देन स्ट्रेस डिसऑर्डर, देखिए स्ट्रेस डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर वैसे स्ट्रेस डिसऑर्डर। जैसे एंग्जाइटी थोड़ी मात्रा में अच्छी होती है, उसी तरह से स्ट्रेस भी होता है, लेकिन अमाउंट बढ़ेगा तो दिक्कत करता है। और स्ट्रेस डिसऑर्डर बहुत तरीके का है, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड सो ऑन। ओके, देन कोविड ने क्या किया, कोविड पेंडेमिक इन मेंटल हेल्थ, कैसे कोविड ने हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारे स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को और बिगाड़ दिया है। क्या किया उसने, सुसाइडल थॉट्स, हमारे सुसाइडल थॉट्स बढ़ गए, मतलब हमारे युवाओं के। क्यों? क्योंकि वो जो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, जो पीयर ग्रुप था, जो बोलते हैं कि आप अपने दोस्तों से सब अपने दिल का हाल कह देते हैं, और जब दिल का हाल कह देते हैं तो दिल हल्का हो जाता है, और यहाँ क्या हुआ कि हम सबसे कट गए, आइसोलेशन हो गया हमारे, हमको लगने लगा कि जीवन बर्बाद है, या हमने अपने बहुत किसी करीबी को खो दिया तो हमें लगने लगा उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो सुसाइडल थॉट्स को प्रमोट करती हैं। देन डिप्रेसिव थॉट्स, डिप्रेसिव थॉट्स क्यों, क्योंकि टीचिंग जो है वो टोटली ऑनलाइन हो गई है ना, रिसोर्सेज नहीं है, गैजेट्स नहीं है, हम क्लास नहीं कर पा रहे हैं, जो हो रहा है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, वी आर नॉट दैट मच टेक्नो सेवी, हमारे पास फ़ोन भी है तो वो स्मार्टफोन नहीं है, फ़ोन है तो नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क है तो लाइट नहीं है, कितनी दिक्कतें हैं। तो ये सारी कहाँ, डिप्रेशन को ही तो बढ़ाती हैं। देन इंक्रीज्ड क्लास वर्कलोड, क्यों, क्योंकि ऑफलाइन के ही तो हम आदि थे, हम चॉक एंड टॉक के आदि थे। यही बात टीचर्स के लिए भी है कि गए क्लास में और पढ़ाया, बच्चे ने पढ़ा या नहीं पढ़ाया, जो भी किया बच्चे ने, लेकिन यहाँ तो सब कुछ एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट सेटअप है ना, हर किसी के लिए इतना आसान नहीं था उसके संग कोप अप कर पाना। देन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, लोगों की जॉब्स चली गई, घर में जो कमाने वाला मेंबर था उस वो जॉब नहीं कर रहा है, वो कैसे काम चलेगा, जब मतलब बहुत बहुत बुरी स्थिति है ना। देन चेंजेस इन लिविंग, जब फाइनेंशियल डिफिकल्टी, मान लीजिए खाने के लिए भी आप मतलब इस ये स्थिति आ गई है कि पैसा नहीं है, तो पढ़ेगा कैसे, और मेंटल हेल्थ तो फिर बहुत दूर की बात है। देन चेंजेस इन लिविंग एनवायरनमेंट, हमारा परिवेश बदल गया, मान लीजिए कोई कहीं गया और लॉकडाउन में वहीं फंस गया, अब वो आ नहीं पा रहा है और बिल्कुल एकदम अलग दशा है, और एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज है, वो उसके संग कोप अप नहीं कर पा रहा है, उसका तालमेल नहीं बैठ रहा है, एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये सब कुछ मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने में सहायक हुआ और मेंटल डिसऑर्डर्स उसने क्रिएट किए। देन कंसर्न्स ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपको एग्जाम कैसे करना है, फोटो खींचनी है, उसका क्या स्कैन करना है, फिर PDF बनाना है, फिर अपलोड करना है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई, जो मोबाइल को जिसने सिर्फ कॉल करने के लिए रिसीव किया हो, या आज से आज व्हाट्सएप चैट के लिए, उसके लिए सब बड़ा नया है, नया था। अब तो फिर भी स्टूडेंट्स सीख गए हैं, तो इन सब ने मेंटल हेल्थ को बिगाड़ा। देन इंक्रीज्ड सोशल आइसोलेशन, जो हमारा प्रिय था, प्रियतम हमारा एकदम कोई खास, हमारे घर का एकदम सदस्य ऐसा जो कहीं ऐसे विदेश या कहीं ऐसी जगह था, सब सर्विसेज बंद, सारी यात्राएं बंद, सारा सेवाएं बंद, तो आप कितना मुश्किल है, या आप अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे, या आप क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट फील करते थे, जो सोशल डायनेमिक्स होता था, जो क्लास डायनेमिक्स होता था, वो सब कुछ छूट गया ना, तो ये बड़ी दिक्कत की बात हो गई। देन डिसरप्शंस टू स्लीपिंग पैटर्न्स,
जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम एक रूटीन फॉलो करते हैं कि हमको इतने बजे उठना है, इतने बजे निकलना है, इतने बजे पहुंचना है, ऐसा। लेकिन जब हम घर में होते हैं, जब हमको पता है हमको 24 घंटे में कहीं जाना नहीं है, कोई मीटिंग अटेंड भी करनी है तो हमको ऑडियो वीडियो ऑफ रखना है, तो हम किसी भी दशा में क्या फ़र्क पड़ता है, तो हमारा कोई रूटीन नहीं बन जाता। जब रूटीन बिगड़ता है तो हमारे खान पान की दशा बिगड़ती है, स्लीपिंग पैटर्न, बायोलॉजिकल क्लॉक, सब कुछ डिस्टर्ब होता है, इवेंचुअली वो हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। देन डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, अगर ऊपर की ये सारी चीज़ें हम लैक कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन तो होना मुश्किल क्या, असंभव है। देन कंसर्न्स ऑन हेल्थ, घर में ही किसी को कोरोना हो गया, आपको खुद कोरोना हो गया है या आपके किसी फैमिली मेंबर को हो गया, तो इट्स सो डिफिकल्ट टू डील विद। देन बिल्डिंग बेटर मेंटल हेल्थ, तो क्या करें हम, बढ़िया मेंटल हेल्थ बनाने की दिशा में प्रयास करते हैं। हेल्थ प्रमोशन इज एन इमर्जिंग फील्ड ऑफ एक्शन ऑफन रिफर्ड टू एज न्यू पब्लिक हेल्थ, यानी कि ये एक नई दशा है, नया इमर्जिंग फील्ड है जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि हम हेल्थ को प्रमोट करेंगे। और अगर मेंटल हेल्थ को प्रमोशन की बात करें तो क्या है कि डीलिंग विद मेंटल हेल्थ इज अ थ्री फोल्ड फेनोमेना, तीन चरणों में हम बात कर सकते हैं क्या। पहली थी द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए काम करें। द प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस एंड डिसेबिलिटी, अगर मेंटल इलनेस आपको हो गई है तो हम उसको रोकने का काम करें, या हम रोकें कि मेंटल इलनेस ना हो जाए। एंड देन ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ अफेक्टेड वंस, और फिर जो अफेक्टेड हो ही गए हैं उनके हम ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन के लिए काम करें। देन इन दिस लेक्चर, इन दिस वीडियो, वी आर डीलिंग विद प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ ओनली, हम केवल मेंटल हेल्थ के प्रमोशन की बात कर रहे हैं। Then promoting mental health, कैसे promote किया जाए? Here we focus on mainly two new areas in the field of mental health. One is positive psychology and the other one is neuroscience of mental health. तो ये दो नई बातें हम सीखेंगे, positive psychology and neuroscience of mental health, कैसे हमको mental health को promote करने में help कर रहा है। पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ विद द एडवेंट ऑफ द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी को साइंस ऑफ हैप्पीनेस भी कहते हैं। अ पॉजिटिव साइकोलॉजी अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ रिसर्च एंड प्रैक्टिस हैज बीन नोटिस्ड, यानी कि जब ये आया तो हमने पाया कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट शिफ्ट हमको मिल गया मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में। और जॉर्ज वेलियन, जो कि पायनियर हुए हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के क्षेत्र में, इन्होंने कहा कि ओल्ड लिटररी वर्क्स ऑन साइकियाट्री एंड मेंटल हेल्थ, यानी कि जो पुराना जितना भी साहित्य लिखा गया है मानसिक स्वास्थ्य पे, वो किस पे लिखा गया है, किस पे बेस्ड है, डिस्कशंस ऑन एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंगर एंड फियर, एंड ऑलमोस्ट नथिंग अबाउट अफेक्शन, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, यानी कि कहीं पे स्नेह की बात नहीं की गई है, लगाव की बात नहीं की गई है, क्षमा की बात नहीं की गई। ये सारे भी तो गुण है ना जिन पर बात की जा सकती है, तो इन्होंने सिर्फ नेगेटिव आस्पेक्ट को लिया, पॉजिटिव आस्पेक्ट को छोड़ दिया। तो ये अगर हम उस आस्पेक्ट को भी लें तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर कर सकते हैं। और क्या है पॉजिटिव साइकोलॉजी, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इन मेंटल हेल्थ इज काउंसलिंग एंड थेरेपी इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हैप्पीनेस इज अ ट्रीटमेंट गोल, यानी कि हमने ट्रीटमेंट का गोल क्या रखा है कि हैप्पीनेस, यानी खुशी, हम खुशी प्रोवाइड करना चाहेंगे। हम सिर्फ गम की, दुख की, तकलीफ की, निराशा की, तनाव की, भय की बात नहीं करेंगे। देन रादर देन फोकसिंग ऑन सिम्टोमेटिक थ्रियरियन ट्रीटमेंट, पॉजिटिव साइकोलॉजी सेंटर्स अराउंड किस पर केंद्रित है, ये इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट एंड फ्रूटफुल थिंकिंग, है ना, यानी कि थिंकिंग को हमको फ्रूटफुल बनाने की दिशा में काम करना है। देन पॉजिटिव साइकोलॉजी डिवाइज्ड मेजर्स सच एज द साइकोलॉजिकल वेलबींग स्केल और द हैप्पीनेस स्केल दैट कुड ऑब्जेक्टिवली मेजर हाउ सेटिस्फाइड ए पर्सन इज फ्रॉम इनसाइड, यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी ने इस तरीके के साइकोलॉजिकल स्केल्स बना लिए हैं, हैप्पीनेस स्केल बना लिए हैं, जिनसे आप खुद मेजर कर सकते हैं कि आप कितने हैप्पी हैं। कितना मज़ा आया हमको पता चल जाए कि हम कितने हैप्पी इनसाइड हैं, अब हम हैप्पीनेस स्केल पे कहाँ स्टैंड करते हैं और क्या वो रीज़न है अगर हम अच्छा स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा नया उभरता हुआ फील्ड है और ज़रूर हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। देन न्यूरोसाइंस ऑफ मेंटल हेल्थ, न्यूरोसाइंस ऑफ मेंटल हेल्थ में क्या कहा जा रहा है कि न्यूरोसाइंटिफिक एक्सप्लोरेशन सजेस्ट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग विच ट्रबल एंड हाउ कैन बी एड्रेस्ड टू सॉल्व दैट, यानी कि जो कुछ भी हमारा मेंटल डिसऑर्डर है उसका सेंटर कहाँ है, ब्रेन, हम क्या सोच रहे हैं, हम गलत सोच रहे हैं, हम बुरा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ सोचना कहाँ से आ रहा है, यहाँ से ना। तो अगर हमको पता चल जाए कि कौन सी परेशानी के लिए कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए रिसर्च पेपर ऑन ग्लोबल मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस पब्लिश्ड बाई प्रोफेसर डैन जे स्टेन इन 2015 स्पोक ऑन वॉट ही हैड स्पोकन हाउ न्यूरोसाइंस वॉज इफेक्टिवली इनकॉर्पोरेटेड इन ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, यानी कि किस प्रकार से जो न्यूरोसाइंस
साइंस है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए इफेक्टिवली इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है. और स्टीवन आर ब्लिस्का'स बुक न्यूरोसाइंस फॉर द मेंटल हेल्थ क्लिनिशियन इन 2016 ल्यूसिडली एक्सप्लेन व्हाई नोइंग द न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इज ए मस्ट फॉर साइकोलॉजिस्ट. यानी कि मनोविज्ञानियों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो डील करते हैं जो इनसे जिनका आमना सामना होता है उनको जरूर उसका न्यूरोलॉजिकल बेसिस पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रेन का कौन सा हिस्सा किस पोर्शन के लिए जिम्मेदार है, किस डिसऑर्डर के लिए जिम्मेदार है. देन मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस क्या करें, क्या करें कि मेंटल हेल्थ को हम कुछ बेहतर कर पाएं. तो मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस दैट प्रमोट वेलबींग आर हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कर सकते हैं, CBT, माइंडफुलनेस की तरफ जा सकते हैं, नैरेटिव साइकोथेरेपी हो सकती है या रेमिनिसेंस थेरेपी हो सकती है. ये कुछ लिखे हैं मैंने, बहुत सारे हैं, इन्यूमरेबल है ना. तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या बात करती है, कॉग्निशन यानी कि हम क्या करेंगे कि वो आइडियाज जो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, जो निगेटिव थाट्स को क्रिएट कर रहे हैं, जो गलत सलत सोच रहे हैं, उसको हम कोशिश करेंगे थेरेपी से कि हम रिप्लेस कर दें फ्रूटफुल थिंकिंग, हाँ हैप्पीनेस की तरह बात करें, कुछ हम अपने सेल्फ परसीव्ड इफिकेसी की तरफ बात करें, इस तरीके का मतलब हमको रिप्लेसमेंट करना. ये आप यह कह सकते हैं कि बैड थॉट्स को गुड थॉट्स से. और माइंडफुलनेस, ये तो सबसे एकदम कैची सब्जेक्ट टॉपिक बना हुआ है आजकल ना, कि माइंडफुलनेस के लिए एक्सरसाइजेस क्या है, मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग, ये सारी. और माइंडफुलनेस का मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट कंडीशन है हम उसमें जिए, हम पास्ट के बारे में सोच सोच के परेशान ना हो, ना ही हम फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान हो, हाँ कि ये हो जाएगा तो क्या होगा या ये हो गया तो क्या हुआ, जो हो गया है जो होने वाला है दोनों पर हमारा वश नहीं है. हमारा वश किस पर है, जो प्रेजेंट कंडीशन हमारी चल रही है और उसमें ही हमको जीने का की कला आनी चाहिए. देन नैरेटिव साइकोथेरेपी और रेमिनिसेंस थेरेपी, ये सब साइकोथेरेपीज हैं. नैरेटिव में कहा जाता है कि आप अपनी कहानी को अपना नैरेशन दीजिए. अपनी कहानी मतलब जो आपके संग गुजरा है. तो जब हम अपनी बात को अपने ही नैरेशन देते हैं तो हम उस पर थोड़ा ऑब्जेक्टिवली सोच पाते हैं कि एक्चुअली शायद सिचुएशन उतनी बुरी नहीं जैसा हम समझ रहे थे. और रेमिनिसेंस थेरेपी होता है डिमेंशिया या जिनको मेमोरी लॉस हो गया है, जिन लोगों को, उनको हम रीविजिट कराते हैं पुरानी मेमोरीज, उनकी पास्ट मेमोरीज, जिससे वो कुछ याद कर पाए, कुछ उनका कनेक्शन जुड़ पाए. देन मेजर्स ऑफ प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ इन स्टूडेंट्स कि क्या करें हम कि मेंटल हेल्थ हमारे स्टूडेंट्स की बढ़िया हो सके. थोड़ी क्या किया जा सकता है, प्रोवाइडिंग सोशल एंड इमोशनल स्किल्स प्रोग्राम. इस तरीके के प्रोग्राम स्कूल में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जरूर चलाए जाने चाहिए. क्यों, क्योंकि आजकल तो नया एकदम टर्म ही आ गया SEL, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, या इमोशनल इंटेलिजेंस तो इतना एकदम हॉट केक की तरह बिक रहा है. कि क्यों, कहा जाता है कि एकेडमिक इंटेलिजेंस जो है वो 20% हिस्सा सिर्फ उसका है आपकी अचीवमेंट में, और 80% रोल जो है वह इमोशनल इंटेलिजेंस प्ले करती है. कि कैसे हमको इमोशंस को रेगुलेट करना है, मैनेज करना है ना, ये सारी चीज़ें हमको इमोशनल इंटेलिजेंस में आती हैं, बताई जाती हैं. तो इस तरीके के प्रोग्राम चलने चाहिए. प्रोवाइडिंग टाइमली सपोर्ट फॉर दोज विद एडिशनल नीड्स इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज इन डिसीजन मेकिंग. अगर किसी को कोई दिक्कत हो ही गई है तो हम उसको टाइमली सपोर्ट कर पाए. एजुकेशन ऑफ लाइफ स्किल्स सच एज पॉजिटिव कोपिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. देखिए लाइफ स्किल्स भी एक बहुत पुराने समय से बात नहीं हो रही है, ये भी एक नए कुछ 10-15-20 सालों में लाइफ स्किल्स पे ज़्यादा बात होने लगी है. तो ज़रूर ये हमारे करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए, टीचर को इसके बारे में पता होना चाहिए, उसको अपने स्टूडेंट्स से इस विषय में डिस्कस करना चाहिए, जिससे कि हम पॉजिटिव कोपिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप कर सकें. फिर स्टैब्लिश एंड बिल्ड अ फ्रेमवर्क फॉर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स टू हैंडल चैलेंजिंग सिचुएशंस कंस्ट्रक्टिवली. हमको इस तरीके का फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिससे हम ये सीख सकें कि पॉजिटिव रिलेशनशिप्स कैसे हैंडल कर सकते हैं जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उनको कंस्ट्रक्टिवली, है ना. तो रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी ज़रूरी है. एंड एस्टैब्लिश प्रोएक्टिव पॉलिसीज एड्रेसिंग वेलबींग एंड इंक्लूजन. हमको प्रोएक्टिव होना है, ये नहीं कि चीज़ बिगड़ जाए उसके बाद हम जा रहे हैं उसको सही करने. पहले से करिए ना कि वेलबींग के लिए काम करें, इंक्लूजन के लिए काम करने वाली हमारी पॉलिसी हो और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हो. देन वॉट आर दी बेनिफिट्स, अगर हम इतना कुछ करें, सोचें, बात करें इस पर, तो फ़ायदे क्या हैं. उसके फ़ायदे ये हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लेस एनिक्शियस एंड लेस डिप्रेस्ड हो जाएंगे. दे कंज्यूम लेस सब्सटेंस, है ना, सब्सटेंस यूज से वो बच सकते हैं. उनकी फिजिकल हेल्थ सुधर सकती है, वो मोर प्रोडक्टिव बन सकते हैं. वायलेंस और क्राइम में कमी आ जाएगी, बिकॉज अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे, गलत काम के लिए उनके दिमाग में जगह नहीं होगी. एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि उनकी जीवन की गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही, जीवन का काल भी बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा.
एंड देन कंक्लूजन इज वॉट अ पॉजिटिव साइकोसोशल इन्वायरमेंट एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन पॉजिटिवली इफेक्ट द मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ यंग पीपल। WHO ने 2003 में कहा है कि हमको विद्यालयी जो संसाधन क्या इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें साइको सोशल इन्वायरमेंट रखना चाहिए, पॉजिटिव साइको सोशल इन्वायरमेंट, जिससे कि स्टूडेंट की वेलबींग और मेंटल हेल्थ को हम अच्छा रख सकें। और क्या कर सकते हैं हम कि अ फ्रेंडली रिवॉर्डिंग एंड सपोर्टिव एटमॉस्फेयर, सपोर्टिंग कोऑपरेशन, एक्टिव लर्निंग एंड फॉरबिडिंग फिजिकल पनिशमेंट एंड वॉयलेंस इज मस्ट। यानी कि हमको फ्रेंडली रहना रखना है, वातावरण को रिवॉर्डिंग रखना है, कुछ अच्छा कर रहा है बच्चा तो आप उसको इनाम दीजिए, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेशन हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो और क्या ना हो, फिजिकल पनिशमेंट ना दिया जाए, वॉयलेंस की बात नहीं होनी चाहिए कॉलेज में स्कूल में, इज मस्ट एट ईच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स काइंड और लेवल, कोई भी प्रकार का हो, किसी भी लेवल का हो, प्राइमरी सेकेंडरी हायर व्हाटएवर, देन ओनली वी कैन सेव अवर यूथ्स फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स एंड मेक देम productive in each sense. Thank you. Okay? तो पिछले वीडियो से ज़्यादा चीज़ें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की जो उसमें छूट गया था, मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। और बीएड में और एमए एजुकेशन में भी और कहीं कहीं एमएड में भी मेंटल हेल्थ हमारे करिकुलम का भी, सिलेबस का भी हिस्सा होता है, तो उसके लिए भी ये फ्रूटफुल होगा आपके लिए। ओके, सो डन।